पटरी से उतरी मालगाड़ी डाउन लाइन ट्रैक पूरी तरह बाधित, अज्ञात कारणों के चलते हुआ हादसा। मथुरा में नदी में डूबे चार युवक, तीन युवकों को सुरक्षित निकाला गया, एक की तलाश जारी। बिजनौर में तालाब में डूबी कार हादसे में चार लोगों की मौत, तीन घायल, नशे की हालत में हुआ हादसा। अलीगढ़ में महिला की इलाज के दौरान मौत, परिजनों ने काटा अस्पताल में हंगामा, डॉक्टरों पर लगाया लापरवाही का आरोप। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। खबरों की शुरुआत बड़ी जानकारी से करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर फर्रुखाबाद से मिल रही है। स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल यहां बेहाल है, नशेड़ियों की पनाहगार बनी है 102 108 सरकारी एम्बुलेंस सेवा। बीजेपी विधायक के करीबी ने उड़ाई सीएम के आदेशों की धज्जियां, सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की फर्रुखाबाद से मिल रही है, जहां पर इन दिनों एक वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। इस वीडियो को देखकर स्वास्थ्य व्यवस्था के हालात नजर आ रहे हैं। नशेड़ियों की पनाहगार बनी है 102 और 108 सरकारी एम्बुलेंस सेवा। बीजेपी विधायक के करीबी ने सीएम के आदेशों की धज्जियां उड़ाई है। बड़ी जानकारी इस वक्त की, इन दिनों सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। फर्रुखाबाद से इस वक्त की बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां पर स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल एकदम लचर नजर आता है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, वो वीडियो आपको दिखा रहे हैं। नशेड़ियों की पनाहगार 102 और 108 सरकारी एम्बुलेंस सेवा बनी हुई है। एम्बुलेंस के अंदर बैठकर ये लोग शराब का सेवन करते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि इसमें से बीजेपी विधायक का करीबी भी एक शख्स है। तो सीएम के आदेशों की यहां पर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, फर्रुखाबाद से ये वीडियो इन दिनों तेजी के साथ वायरल हो रहा है। आप देख सकते हैं एम्बुलेंस के अंदर किस तरह से जाम छलकाए जा रहे हैं, और उसके बाद इसी हालत में एम्बुलेंस भी चलाई जा रही है। तो पनाहगार बनी हुई है नशेड़ियों की एम्बुलेंस 102 108, लेकिन इससे साफ पता चलता है कि स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत क्या है उत्तर प्रदेश में। 102 108 सरकारी एम्बुलेंस सेवा में जो लोग लगाए हुए हैं वो पूरी तरह से शराबी हैं, एम्बुलेंस के अंदर शराब पी रहे हैं। इनका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हुआ है। यूपी के आगरा में अचानक चलती कार में आग लगने से हड़कंप मच गया। वहीं कार सवार लोगों ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई। मौके पर मौजूद लोगों ने फायर ब्रिगेड को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आगरा की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर चलती कार में भीषण आग लग गई। कार से कूद कर कार सवार ने अपनी जान बचाई है। हालांकि आग लगने के कारण क्या रहे, इसका पता लगाने में अभी फायर ब्रिगेड जुटी हुई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, गनीमत रही कि कार में जो भी शख्स सवार था उसने कूद कर अपनी जान बचा ली, वरना बड़ा हादसा यहां पर हो सकता था। तो चलती कार में ये भीषण आग लगी है, चलती कार आग का गोला बनती हुई नजर आई, धू धू कर गाड़ी जलने लगी। आसपास के लोगों ने सूचना फायर ब्रिगेड को दी, फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और वक्त रहते आग पर काबू पाया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। वहीं कार ड्राइवर ने कूद कर अपनी जान बचाई है। तो आगरा की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर एक चलती कार आग का गोला बन गई, धू धू कर जलने लगी। आसपास के लोगों ने वीडियो बनाना शुरू किया, सूचना फायर ब्रिगेड को दी। आगरा में पंडालों में सजी दुर्गा माता की मूर्ति विसर्जन के लिए पुलिस प्रशासन की ओर से कड़े इंतजाम किए गए हैं। बता दें कि यहां मूर्ति का विसर्जन चंबल नदी के किनारे किया जाएगा। वहीं मूर्ति विसर्जन के लिए जिले में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ भी देखी जा सकती है। आगरा की तस्वीरें आप देख रहे हैं, दुर्गा माता का मूर्ति विसर्जन कार्यक्रम, प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हुए हैं। आपको बता दें कि नवरात्र में 9 दिनों तक माँ दुर्गा की प्रतिमा को पूजा जाता है, उसके बाद आखिरी दिन यानी कि 10वीं वाले दिन विसर्जन किया जाता है। तो विसर्जन को लेकर तमाम तैयारियां प्रशासन ने पहले से की हैं। कोई भगदड़ ना हो, कोई भीड़भाड़ ना हो, इसलिए पुलिस की आंखों के सामने ही, प्रशासन की आंखों के सामने ही मूर्ति विसर्जन का सारा काम किया जा रहा है।
तो आगरा की तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रशासन ने कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए हुए हैं मूर्ति विसर्जन को लेकर। आप बता दें कि 9 दिन तक माता की मूर्ति की पूजा की जाती है, माता को प्रसन्न किया जाता है और अंतिम दिन उन्हें विदाई दी जाती है और विदाई को लेकर विसर्जन की तैयारियां भी पूरी कर रखी हैं। कानपुर देहात में कानपुर की ओर जा रही मालगाड़ी अंबियापुर में पलट गई। वहीं इस हादसे में मालगाड़ी के कई डिब्बे एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए, जिसमें ट्रेन के करीब 24 से 25 डिब्बे क्षतिग्रस्त हो गए हैं। वहीं इस हादसे के बाद डाउनलाइन ट्रैक पूरी तरह से बंद हो गया। वहीं हादसे के कारणों का पता नहीं चल पाया है। फिलहाल मौके पर रेलवे के कर्मचारी अधिकारी घटनास्थल पर मौजूद हैं और हादसे का कारण क्या है ये पता लगाने की कोशिश लगातार की जा रही है। कानपुर देहात का ये पूरा मामला जहां पर डाउनलाइन ट्रैक पूरी तरह से बाधित हो गया है। बताया जा रहा है कि मालगाड़ी के पलटने से यह हादसा हो गया। कानपुर देहात में कानपुर की ओर जा रही मालगाड़ी अंबियापुर में अचानक पलट गई। इस हादसे में मालगाड़ी के कई डब्बे एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए हैं। ट्रेन के करीब 24 से 25 डब्बे बताए जा रहे हैं जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए, तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। वहीं इस हादसे के बाद डाउनलाइन ट्रैक पूरी तरह से बंद रहा, जिससे आवागमन में भी दूसरी ट्रेनों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, कई ट्रेनें लेट हो गई हैं। वहीं इस हादसे के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। फिलहाल मौके पर रेलवे के कर्मचारी और अधिकारी घटनास्थल पर मौजूद हैं, मौका मुआयना कर रहे हैं, छानबीन कर रहे हैं कि आखिर यह हादसा कैसे हुआ, क्या वजह हो सकती है। जहां पूरे देश में विजयदशमी के मौके पर रावण का वध किया जाता है, वहीं यूपी के कानपुर में एक जगह ऐसा भी है जहां दशहरे के दिन रावण की पूजा की जाती है। इतना ही नहीं, यहां पूजा करने के लिए रावण का मंदिर भी मौजूद है जो केवल दशहरे के मौके पर ही खोला जाता है। रावण का यह मंदिर उद्योग नगरी कानपुर में मौजूद है। विजयदशमी के दिन इस मंदिर में पूरे विधि विधान से रावण का अभिषेक कर श्रृंगार किया जाता है और इसके बाद उसकी आरती भी की जाती है। तस्वीरें आप देख रहे हैं रावण का कानपुर में इकलौता मंदिर। दशहरे पर रावण की पूजा यहाँ की जाती है। विधि विधान के साथ रावण का जलाभिषेक होता है, उसके बाद आरती भी की जाती है। जहाँ एक तरफ देश भर में दशहरे का त्यौहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाना शुरू हो गया है, तो ऐसे में कई जगहों पर रावण की पूजा भी शुरू हो गई है। उसकी तैयारियाँ आप कानपुर में देख सकते हैं किस तरह से साल में एक ही दिन यानी कि दशहरे के दिन इस मंदिर को खोला जाता है, रावण का जलाभिषेक किया जाता है, दुधाभिषेक किया जाता है, उसके बाद आरती भी रावण की यहाँ पर उतारी जाती है। तो दशानन का इकलौता यहाँ पर मंदिर है। आप देख सकते हैं प्रसाद के लिए सब कुछ तैयार है और लोग भी भीड़ में लगने शुरू हो गए हैं। तो बेहद ही खूबसूरत तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कानपुर से, जहाँ पर दशहरे पर रावण की पूजा होती है। पहले रावण की प्रतिमा पर जलाभिषेक किया जाता है, दुधाभिषेक किया जाता है, आरती उतारी जाती है, पूरा श्रृंगार किया जाता है, आरती उतार कर उसके बाद भक्तों में प्रसाद भी बांटा जाता है। ये मंदिर 1868 में बनवाया है और जो कि ब्रिटिश जमाने के रहने वाले जिला उन्नाव के गुरु प्रसाद शुक्ल जी महाराज थे, उन्होंने ये सारे मंदिर बनवाए हैं और ये दशानन महाराज शिव और शक्ति के बीच में विराजमान है। और किस तरीके का मंदिर है? पूरे उत्तर भारत में तो ये इकलौता मंदिर है, और भी मंदिर हैं, श्रीलंका में है और एक दो जगह और भी हैं, पर उसका मुझे नहीं पता है। मथुरा के गांव चार्लीगंज में गुरुवार शाम मथुरा गांव से सुल्तानपुर यमुना घाट पर माता रानी की मूर्ति विसर्जन करने आए चार श्रद्धालु यमुना में डूब गए, जिसमें से तीन लोगों को ग्रामीणों ने बचा लिया। वहीं एक युवक का भी पता नहीं चल पाया है। फिलहाल पुलिस युवक की तलाश में जुटी हुई है। तो मथुरा में यह हादसा हो गया, मूर्ति विसर्जन करने आए युवक नदी में डूब गए, जिनमें से तीन युवकों को तो नदी से निकाल लिया गया है, एक का पता अब भी नहीं चल पाया है, जिसकी तलाश लगातार की जा रही है। तो तीन युवकों को नदी से निकाला गया। आपको बता दें कि मूर्ति विसर्जन के दौरान यह हादसा हो गया। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी सुरेश सैनी मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुरेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? ये गांव चार्लीगंज का एक पूरा मामला है जहां पर मूर्ति विसर्जन के दौरान कई युवक नदी में डूब गए थे, कितनों को बचा लिया गया है?
जी, जिस तरह से मैं आपको बता दूं, ये भरतपुर के लोग थे जो कि मथुरा के रिफाइनरी इलाके में गांव चांदपुर के पास ये लोग यमुना में मूर्ति, देवी माँ की मूर्ति जो है विसर्जित करने आए थे। उसी दौरान जो युवक थे उनमें से कुछ लोग वहाँ पे स्नान करने लगे और तैरते तैरते वे यमुना के गहरे पानी में चले गए। सुरेश, उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो आज मूर्ति विसर्जन को लेकर प्रशासन पहले से ही पूरी तरह से सख्त है। प्रशासन की निगरानी में ही मूर्ति विसर्जन किया जा रहा है, लेकिन मथुरा में प्रशासन अलर्ट नजर नहीं आया है। जिस तरह से देखा जाए, जहाँ जिस जगह पर ये लोग गए थे वहाँ उस समय से कोई पुलिसकर्मी तैनात नहीं था, लेकिन क्योंकि ये जो युवक थे ये भरतपुर के थे, इनको ये नहीं पता थी कि कहाँ पे पुलिस प्रशासन की व्यवस्था है, कहाँ पर उन्होंने जो है मूर्ति विसर्जन का जो है जगह फिक्स किया है। लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग एक सुनसान जगह पर, जहाँ पे यमुना में पानी शुद्ध होने के नाते शुद्ध होते हुए देखते हुए ये लोग वहाँ पे मूर्ति विसर्जन करने गए थे, जहाँ पर तीन लोग डूब गए और उनमें से एक व्यक्ति अभी तक जो है नहीं मिल पाया है, जिसकी तलाश की जा रही है। पुलिस उसका रेस्क्यू चला रही है, लेकिन अभी तक उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। सुरेश, क्या गोताखोर वहां पर मौजूद हैं? क्या तलाश की जा रही है युवक की? जिस तरह से ऐसा रिफाइनरी से बात हुई है, जिस जो उन्होंने बताया था उसके यही जैसे लगे कि पुलिस अब गोताखोरों के द्वारा उसके सबको जो है या उसको जो युवक डूबा है उसको तलाश कर रही है, लेकिन उसका अभी तक कोई पता नहीं चल सका है। जो बाकी व्यक्ति है वो सब सक्षम है, जिसके साथ बिल्कुल। सुरेश, इस हादसे के बाद पुलिस कितनी अलर्ट नजर आ रही है, प्रशासन कितना अलर्ट है? क्योंकि आज पूरे दिन मूर्ति विसर्जन किया जाएगा, क्योंकि 9 दिन के बाद आज दसवीं है, दसवीं पर दुर्गा माता की प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है। तो ऐसे में ये हादसा हो गया मथुरा में, अलग अलग इलाकों में प्रशासन अब कितना अलर्ट? जिस तरह से जो मथुरा प्रशासन है उसने साफ कहा था कि कुछ जगह जहाँ बनाई गई है, जहाँ पर लोग जो है अपने अपने घरों में माता दुर्गा की मूर्तियों को विसर्जित कर सकते हैं, वहाँ पर जो है यमुना से दूर एक घाट बनाया गया है गोकुल के पास, वहाँ पर सब लोगों को जानकारी दी गई कि यहाँ पर जो है विसर्जित करें। लेकिन कुछ लोग अन्य जिलों से जो आ रहे हैं, चूंकि यमुना माँ का एक पवित्र स्नान है, पवित्र स्थान है, तो उसको लेकर के ये लोग माँ यमुना में अपनी माता दुर्गा की मूर्ति को विसर्जित करना चाहते हैं, और उसी के दौरान इस तरह की घटना सामने आई है, जिसको लेकर के अभी एक व्यक्ति लापता है और उसका कोई अता पता नहीं चल सका है। बिल्कुल सुरेश, शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो मथुरा में मूर्ति विसर्जन के दौरान यह हादसा हो गया, नदी में 4 युवक डूब गए, ग्रामीणों ने 3 को तो बचा लिया लेकिन 1 को नहीं बचा सके, जिसकी तलाश अब की जा रही है, अब तक युवक का पता नहीं चल पाया है। देश भर में शुक्रवार को विजयदशमी का पर्व मनाया जा रहा है, जिसके दौरान मथुरा में इस त्योहार पर क्षत्रिय समाज की ओर से शस्त्र पूजा की गई, जिसमें ब्रजमंडल राजपूत क्षत्रिय महासभा ने भी शस्त्र पूजन किया। इस दौरान हजारों लोगों ने इसमें भाग लिया और सैकड़ों शस्त्रों का पूजन भी किया है। तो देश भर में विजयदशमी का त्योहार मनाया जा रहा है, मथुरा में क्षत्रिय समाज ने शस्त्रों की पूजा की है। तस्वीरें आप देख सकते हैं मथुरा से। आपको बता दें कि आज के दिन शस्त्रों की पूजा की जाती है, कोई भी शुभ काम किया जाता है, आज का दिन बेहद ही उत्तम माना जाता है शास्त्रों के अनुसार। मथुरा की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां एक तरफ देश भर में विजयदशमी का त्योहार मनाया जा रहा है तो दूसरी तरफ मथुरा में क्षत्रिय समाज के लोग शस्त्रों की पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं। हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद रहे, शस्त्रों की पूजा करते हुए नजर आए। औरैया में एक अजीबो गरीब मामला सामने आया, जहां एक युवती का अंतिम संस्कार होने के बाद वो जिंदा लौट आई। बता दें कि युवती लगभग 1.5 महीने पहले लापता हुई थी, जिसके बाद युवती के पिता ने सदर कोतवाली में उसकी अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया था। वहीं छानबीन में युवती का कोई पता नहीं चल पाया, लेकिन किसी युवती का अज्ञात शव यमुना नदी के पास मिला, जिसकी जानकारी गाँव वालों ने पुलिस को दी। वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस ने युवती के परिजनों को जब शव की शिनाख्त कराई तो परिजनों ने अपनी पुत्री के रूप में उसकी शिनाख्त की और युवती का अंतिम संस्कार कर दिया, लेकिन इस शिनाख्त से परिजन संतुष्ट नहीं दिखे। वहीं पुलिस पर दबाव बनाने के बाद पुलिस ने खोजबीन फिर से शुरू की और युवती को आखिरकार ढूंढ निकाला है। औरैया का यह अजीबोगरीब मामला, जहां पर अंतिम संस्कार के बाद भी युवती जिंदा लौट आई है। दरअसल कई महीनों पहले लापता हुई थी युवती, ऐसे में नदी किनारे एक शव मिला, ग्रामीणों ने इसकी सूचना परिजनों को दी, परिजन भी मौके पर पहुंचे, जिसके बाद पुलिस बुलाई गई, पुलिस मौके पर पहुंची, शव की शिनाख्त कराई तो परिजनों ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी वो संतुष्ट नजर नहीं आ रहे थे, जिसके बाद पुलिस पर दबाव बनाया गया, उन्होंने दोबारा से खोजबीन शुरू की तो आखिरकार
युवती सही सलामत परिवार के पास वापस लौट आई है। कहाँ गए थे? गुड़गांव। किसके का? नाम ले लो। अजय एक्सा। ये कौन है? है मेरे पास के गांव का लड़का। आप उसे कैसे जानती हो? उसे कैसे जानती हूँ उसे। क्या आप लोगों के बीच क्या कोई दोस्ती है क्या है? हाँ। आप लोगों शादी की है क्या? हाँ। केवटरा गांव के रामनरेश कठेरिया के द्वारा अपनी पुत्री शिवानी उर्फ अंगूरी के गायब होने की सूचना दी गई थी, जिस पर अभियोग पंजीकृत कर SI कालीचरण के द्वारा विवेचना प्रारंभ की गई और कोतवाली पुलिस द्वारा उसकी बरामदगी के लगातार प्रयास किए जा रहे थे। इसी बीच दिनांक 12 अक्टूबर को एक डिकम्पोज्ड बॉडी जो लड़की की थी वो जमुना नदी के किनारे आके लग गई थी, जिसकी पहचान केवटरा में रह रहे परिजनों द्वारा शिवानी के पिता और माता द्वारा यह बताया गया कि यह उनकी पुत्री है। पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए उसका पंचायतनामा और पोस्टमार्टम पूरा करवाया। इसी बीच 14 तारीख को अपहर्ता की भी बरामदगी की गई और शिवानी बरामद होने के उपरांत मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत की गई 164 के बयान के लिए। और अलीगढ़ के थाना रुरावर क्षेत्र के शाहपुर चौकी के पास दर्जी की दुकान चला रहे एक युवक की शाम होते ही कुछ अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी और आसपास के नाले में उसका शव फेंककर आरोपी मौके से फरार हो गए। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और आला अधिकारियों ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। अलीगढ़ का ये पूरा मामला जहां पर बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते नजर आ रहे हैं, युवक के अज्ञात बदमाशों ने हत्या कर दी, मौके से फरार हो गए। पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति जो है नाले में गिर चुका है। मौके पर पुलिस पहुंची और उसको नाले से निकाला तो पता लगा कि उसके पीठ में घाव है और उस चीज़ की वजह से संभवतः उसकी मृत्यु हुई और उसकी बॉडी को अभी पोस्टमार्टम के लिए पंचायतनामा करके कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। और इसके बारे में जानकारी करने पर पता चला है कि ये थाना क्षेत्र गुंडा का रहने वाला है और यहाँ पर अपनी टेलर की दुकान करा करता था और इसके बारे में और जानकारी अभी इकट्ठी की जा रही है। उसके बाद तहरीर मिलने के बाद और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद आगे मेरी कार्रवाई की। सर अभी तक पता चला है कि मारने वाले कौन लोग थे? अभी ये सूचना पुलिस को अभी मिली है थोड़ी देर पहले, अभी बॉडी यहाँ से हटाई गई है। इस बारे में अभी तफ्तीश जारी है, जब इस बारे में CCTV कैमरे और अन्य चीज़ें देखी जा रही है। फॉरेंसिक टीम मौके पर बुलाई गई है और सभी सबूतों को यहाँ पर बारीकी से देखा जा रहा है। उसके बाद जो भी तथ्य निकल के आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की। आसपास के लोगों से जानकारी मिलने के बाद क्या कहना है सर? आसपास के लोगों से जानकारी की गई है, उनके द्वारा बताया गया है कि यहाँ पे किसी के द्वारा किसी को जिन लोगों से भी पूछा गया है उनके द्वारा पुष्टि नहीं की गई है अभी किसी को देखने की, परंतु और लोगों से भी बातचीत की जा रही है और कैमरे देखे जा रहे हैं। अलीगढ़ में एक अस्पताल में एक महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद महिला के परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा काटा, साथ ही इलाज के दौरान डॉक्टर्स पर लापरवाही का भी आरोप लगा दिया। वहीं डॉक्टर्स ने महिला के परिजनों पर हंगामा कर उनसे मारपीट करने का भी आरोप लगाया है। अलीगढ़ की तस्वीरें आप देख रहे हैं, महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई, परिजनों ने जिसके बाद अस्पताल में हंगामा काटा, साथ ही डॉक्टर्स के साथ मारपिटाई की है। डॉक्टर ने आरोप लगाया है कि परिजनों ने तोड़फोड़ की और मारपिटाई की है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंच गए, दोनों पक्षों को शांत कराया है। मामले का हल निकालने की कोशिश लगातार की जा रही है। तो अलीगढ़ की तस्वीरें जहां पर मरीज के परिजनों ने गंभीर आरोप यहां पर अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टर्स पर लगाए हैं। बताया जा रहा है कि इलाज के दौरान एक महिला की मौत हो गई, जिसका आरोप यहां डॉक्टर्स पर लग रहा है कि डॉक्टर्स ने लापरवाही दिखाई जिसके चलते महिला की मौत हो गई। वहीं आपसी झड़प भी देखने के लिए मिली है, गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में तोड़फोड़ की, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची है, मामले को शांत कराया है। बिजनौर में एक कार तालाब में डूब गई, वहीं कार में सवार चार लोगों की तालाब में डूबने से मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि तीन लोग घायल हो गए। वहीं घायलों को इलाज के दौरान अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि सभी कार सवार लोग शादी समारोह में शिरकत करने के लिए निकले थे और घर वापसी के दौरान ये तेज रफ्तार कार सड़क किनारे तालाब में डूब गई, जिसमें चार लोगों की तुरंत मौत हो गई। वहीं पुलिस के अफसरों की माने तो कार में सवार ड्राइवर और अन्य लोग नशे की हालत में थे, साथ ही रास्ता भी भूल गए थे, जिसकी वजह से ये हादसा हो गया। तो तस्वीरें आप बिजनौर से देख रहे हैं, जहां पर तालाब में
कार डूब गई। हादसे में चार लोगों की जान चली गई है। कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस की माने तो ये सभी लोग शराब के नशे में थे और इसी वजह से गाड़ी का बैलेंस बिगड़ा और वो तालाब में जा गिरी। बिजनौर के कोतवाली देहात क्षेत्र में आज रात में एक दुखद दर्दनाक घटना हुआ, जो शादी से 7 बच्चे वेगनार गाड़ी में लौट रहे थे, जिनकी उम्र लगभग 16 से 22 वर्ष थी। 4 लड़कों की गाड़ी पलटने से एक तालाब, बड़ा तालाब था जिसमें सिंघाड़ा था, लताएं थी, गाड़ी पलट गई, उसे मौके पर मृत्यु हो गई। सभी की उम्र लगभग 20 से 22 वर्ष थी। 3 बच्चों को एडमिट कराया गया। ड्राइवर दीपक की हालत गंभीर है, शेष 2 सामान्य है, सभी की पहचान हो चुकी है। स्थानीय पुलिस द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा चुका है। पंचायतनामा, पोस्टमार्टम, अन्य विधि कार्रवाई कराई जा रही है। हरदोई के बाल विद्या भवन पब्लिक स्कूल में प्रेस कॉन्फ्रेंस में महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी ने कहा कि स्वामी नरेंद्र गिरी प्रकरण बहुत ही विचारणीय और दुखद है और मामले में अभी तक जांच में कुछ भी स्पष्ट नहीं है। वहीं प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव पर सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि देश में नकारात्मक राजनीति बंद होनी चाहिए और सिर्फ विकास की बात होनी चाहिए। इसके अलावा उपद्रवियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो हरदोई में महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई, जहां उन्होंने नरेंद्र गिरी मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की है और साथ ही कहा है कि उत्तर प्रदेश में जो राजनीति हो रही है वो पूरी तरह से सही नहीं है। प्रदेश में सिर्फ राजनीति विकास के तौर पर होनी चाहिए, इसके अलावा नहीं। जो भी प्रवि हैं, जो भी प्रदेश हित में काम नहीं करते, उनके खिलाफ भी सख्त एक्शन होना चाहिए। अगर कोई जनसेवा करके संसद में आता है तो उसका स्वागत किया जा सकता है, लेकिन मैंने कहा है, फिर भी मैं कहूँगा कि आज हमारे देश में जो ये बॉलीवुड का ग्लैमर है, ये ग्लैमर समाप्त होना चाहिए। बॉलीवुड में काम करने वाले लोग ये हमारे आदर्श नहीं हो सकते। ये हमारे लिए मनोरंजन का पात्र तो हो सकते हैं, लेकिन ये हमारे लिए आदर्श नहीं हो सकते, आइडियल नहीं हो सकते। बॉलीवुड से हम किसी भी प्रकार के चरित्र की अपेक्षा नहीं कर सकते। उनका जीवन बनावटी है। वो जब पर्दे पर खेलते हैं तो बनावटी खेल खेलते हैं, बनावटी वाक्य बोलते हैं। आज वो जिन प्रोडक्टों का अगर विज्ञापन भी करते हैं, अगर उनसे पूछा जाए कि क्या आप इनको अपने घर में भी यूज करते हैं, स्वयं भी यूज करते हैं, उनको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। वो दुनिया को बेवकूफ़ बनाने वाले लोग हैं। तो संसद में केवल हम बॉलीवुड को हमने इतना ग्लैमर बना दिया है कि आज हमारा नौजवान पागल है। हमारे नौजवानों के सामने आदर्श होना चाहिए। इस देश के वैज्ञानिक होने चाहिए, जिन्होंने राष्ट्र के लिए, देश के लिए समर्पित भाव से कुछ किया है, वह होने चाहिए। देश के साहित्यकार होने चाहिए और देश की रक्षा में जो अपना प्राण तक त्याग देते हैं और सीमा पर शत्रु को घुसने नहीं देते, ऐसे गोली खाने वाले हमारे जवान हमारे देश के आदर्श होने चाहिए। तो बॉलीवुड का मैं कभी भी इस दृष्टि से समर्थन नहीं कर सकता। से ये बयान सामने आया महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी का, जहां उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि नरेंद्र गिरी मामले में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, जो राजनीति हो रही है वो पूरी तरह से गलत है। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मोहम्मद आसिफ मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आसिफ, जिस तरह से यतीन्द्रानंद गिरी का ये बयान सामने आया है, बॉलीवुड को भी लगातार वो आड़े हाथों ले रहे हैं, साथ ही साथ राजनीति को लेकर भी उन्होंने तमाम सवाल किए हैं। जी, आपको बता दें कि हरदोई के बाल विद्या भवन पब्लिक स्कूल में एक प्रेस वार्ता थी, जिसमें महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी ने कहा है कि अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन के बारे में एक सवाल के जवाब में कहा कि बॉलीवुड को मनोरंजन तक ही सीमित रखना चाहिए, इनका कोई चरित्र और आचरण भी नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो हरदोई में नरेंद्र गिरी मामले में निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं यतीन्द्रानंद। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि जो राजनीति हो रही है वो सही नहीं है, बॉलीवुड पर भी वो बरसते हुए नजर आए। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।